नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन वृषभ राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लगन वाराशि दोनों से वीडियो डालती हूँ और आज का कम्बिनेशन कन्या लगन वृषभ राशि है। सबसे पहले हम समझें कि कन्या लगन वृषभ राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 6 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका कन्या लगन है। चंद्रमा भाग्य भाव में 2 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी वृषभ राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर कन्या लगन व वृषभ राशि का बनता है तो आप वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम 4 बड़े ग्रहों की गोचर की बात करें तो कन्या लगन पर केतु का गोचर हो रहा है, शनि महाराज 6ठे भाव में है, राहु 7ठम में है, वर्ष के आरंभ में देव गुरु बृहस्पति 8ठम में होंगे और मई 2024 से भाग्य भाव में चले जाएंगे। वृषभ राशि में केतु 5ठम में है, शनि महाराज 10ठम भाव में है, राहु 11ठ में है और देव गुरु बृहस्पति जो है वर्ष के आरंभ में 12ठ में होंगे और मई 2024 को वर्ष लगन पर आ जाएंगे, जहां से उनकी दृष्टि पंचम सप्तम और भाग्य भाव पर हो जाएगी। लगन में गुरु दिग्वली माने जाते हैं। तो यह है कन्या लगन व वृषभ राशि। कन्या लगन और वृषभ राशि का वर्ष 2024 में शुभ समय क्या निकल के आता है, वो आता है 1 मई से दिसंबर। यानी आप कन्या लगन व वृषभ राशि के जातक हैं और वर्ष 2024 के लिए आपने कुछ भी प्लान कर रखा है कि मुझे इस वर्ष में ये काम करना है, तो उस काम करने का सही समय होगा 1 मई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। ये वो समय होगा जब आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, आप जो डिसीजन लेंगे निर्णय लेंगे वो सही जाएंगे, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने का ये अर्थ होता है कि हम जो मेहनत करें उसका हमें रिजल्ट मिले। और मई से जो आपके कैरियर के लिए के जो नए अवसर आएंगे, कि उन नए अवसरों में आप अगर वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो जॉब बदल सकते हैं। साथ ही साथ मई के बाद आपकी वर्तमान जॉब में प्रमोशन की भी संभावना बनती है। और जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, वो कन्या लगन और वृषभ राशि के जातक मई से दिसंबर के बीच में विदेश भी जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि वर्ष का जब आरंभ होगा तो कन्या लगन से गुरु 8ठम में होंगे और उस समय वृषभ राशि से गुरु 12वें होंगे। वर्ष 2024 में अगर जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आपकी कुंडली में गुरु की दशा या गुरु की अंतर्दशा आती है, तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है वो गोचर में लगन और राशि दोनों में 8वें और 12वें भाव में बैठा है। तो इसलिए गुरु की कोई ना कोई उपाय करिएगा। गुरु का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप हर गुरुवार को भीगी चने की दाल गाय को खिलाएं, वो गुरु की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा आप हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का बृहस्पतिवार को दान कर सकते हैं मंदिर में। और अगर आप को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो इन 4 महीनों में आप पूरणमासी का व्रत रख सकते हैं और शाम को परिवार के साथ बैठ के भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है गुरु की। इस तरीके से आप गुरु का कोई ना कोई उपाय जरूर करिएगा। और जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में गाय को जरूर रोटी दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कह रही हूं कि आपका कन्या लगन व वृषभ राशि है वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा या गुरु की अंतरदशा का कुछ पोर्शन आता है, वो समय पड़ता है, तो आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक गुरु का कोई ना कोई उपाय जरूर करना है, क्योंकि कन्या लगन से गुरु 8ठम में होंगे और वृषभ राशि से गुरु 12वें होंगे। मई के बाद कन्या लगन से गुरु भाग्य भाव में चले जाएंगे और वृषभ राशि से लगन में आ जाएंगे, तो मई के बाद प्रॉब्लम नहीं है। कैरियर में आपको नए अवसर मिलेंगे मई से लेकर दिसंबर के बीच में, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आपके विदेश जाने की भी संभावना है और साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना बनती है। इसके अलावा जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय हो सकता है और जो संपत्ति संतान प्लान करना चाहते थे वो संतान प्लान कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मई के बाद काफी अच्छा समय है जब उनका मन पढ़ाई में लगेगा, और जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इस समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि से गुरु लगन पर रहकर उनके पंचम और नवम भाव को देखेंगे, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगेगा। तो इसका मतलब कन्या लगन और वृषभ राशि के लिए वर्ष 2024 में जो शुभ समय है वो मई से दिसंबर के बीच में है और जो सावधानी रखने का समय है वो जनवरी से अप्रैल के बीच में है। पहली बात, कन्या लगन से सप्तमेश गुरु 8ठम में रहेंगे वर्ष के आरंभ में, इसलिए दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव, दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तनाव ज्यादा होता है तो आप रोज सुबह पूजा के समय सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, उससे भी दाम्पत्य जीवन का तनाव कम होता है। अगर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ ना कर सके तो आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, या शनिवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक चलाकर अगर सुंदरकांड का पाठ भी करती हैं विवाहिता स्थिति, तो भी दाम्पत्य जीवन का तनाव में कमी आती है। जनवरी से अप्रैल के बीच में अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है तो उसमें किसी प्रकार के मतभेद की संभावना बनती है और
कन्या लगन से केतु का गोचर लगन पर हो रहा है। केतु का गोचर जब लगन पर होता है तो आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, इसलिए केतु का कोई ना कोई उपाय करिएगा। केतु का एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि आप किसी को दो रंग का कंबल दान कर सकते हैं, या तो गुरुवार को या मंगलवार को। कोई ऐसा कंबल जिसमें दो रंग हो उसको आप गुरुवार या मंगलवार को दान करें, गणेश जी की पूजा करें, वो सब केतु की रेमेडी है। जनवरी से अप्रैल के बीच में अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो उसमें सावधानी रखने की जरूरत है आपको, उसमें किसी प्रकार की परेशानी की संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस अवधि में जनवरी से अप्रैल के बीच में आपके खर्चे अधिक होंगे किसी ना किसी कारण से। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, कन्या लगन व वृषभ राशि के जातक है और कुंडली में गुरु की, मंगल की या शुक्र की, गुरु मंगल या शुक्र की दशा या दशा चल रही है, तो इस वर्ष 2024 में आप प्रॉपर्टी में निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, विशेषकर जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। तो दर्शकों, मेरा मानना है कि अगर आप कन्या लगन व वृषभ राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए 62% तक बढ़िया जाने वाला है। पर ध्यान रखना है कि वर्ष के आरंभ में जनवरी से अप्रैल के बीच में एक तो हो सके तो जॉब बदलने का विचार ना करें, व्यापार में कोई बड़ी जोखिम लेने से बचें, और थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में सावधानी। अगर आप जनवरी से लेकर 30 अप्रैल का समय अच्छी तरह निकाल लेते हैं तो मई से लेकर दिसंबर का समय आपका बहुत शानदार है। आपने वर्ष 2024 में जो भी सोचा होगा वो मई से दिसंबर के बीच में हो सकता है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि कन्या लगन व वृषभ राशि के लिए वर्ष 2024 62% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।